ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रोड सर्वे में, तो रोड सर्वे में एक चीज़ याद रखेंगे पहले, और जो प्रीवियस एक बार रिवाइज कर देते हैं, तो ये हमारा जो हम लोग करे थे, लेफ्ट में 3.50 होगा, राइट में भी 3.5, यानी 3.5 से गाड़ी जाएगा, 3.5 से गाड़ी आएगा, 3.5 से गाड़ी जाएगा, 3 पॉइंट से आएगा, एक तरफ सिंगल लाइन रोड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंगल लाइन रोड। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, टाइप्स ऑफ रोड लाइन। टाइप्स ऑफ रोड लाइन है ना, तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा सिंगल लाइन। क्या होता है? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मानी यह हुआ कि एक सेंटर होगा, रोड जो है सेंटर से लेफ्ट होगा और राइट होगा, यानी कि 3.5 3.5, एक से गाड़ी जाएगा और एक से गाड़ी आएगा, है ना, गाड़ी जाएगा और एक से आएगा, एक एक बार में एक गाड़ी, एक बार में एक ही गाड़ी, एक जाएगा एक आएगा, उसको सिंगल लाइन बोलेंगे। दूसरा जो रोड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर लाइन। क्या बोलते हैं? ठीक है, सिंगल लाइन को बहुत जगह डबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, टू लाइन। ठीक है, अब यहां पर जो बात है लाइन और लेन, तो ये है लाइन, लेन क्या है ना, क्या है? आप लोग सुने होंगे जब हाईवे जा रहे होंगे तो बस वाला बोलता है लाइन होटल में रोकना है। क्या बोलता है? लाइन होटल में रोकना है। तो हम लोग क्या सोचते हैं? लाइन, लाइन होटल। क्या बोलते हैं उसको? लाइन होटल, एल ए एन ई लाइन। तो रोड में जो हम लोग रोड का दाएं बाएं होता है उसको लाइन बोलते हैं, लेन, और लाइन होता है जो सेंटर लेन मारते हैं वो लाइन हो गया। तो लेन और लाइन दो वर्ड याद रखेंगे, तो ये हमारा फोर लेन है, फोर लेन का जो रोड है एल ए एन ई लेन, एल ए एन ई लेन। तो फोर लेन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाईवे है तीन सेंटर लाइन होगा, है ना, तीन सेंटर लाइन का मतलब ये हो गया, ये हो गया लाइन वन, लाइन टू, आर वन, और ये हो जाएगा आर टू, एल वन एल टू, है ना, या लाइन वन लाइन टू, उधर भी लाइन वन लाइन टू कह सकते हैं, दो दो लाइन दोनों तरफ रहेगा। तो ये लेफ्ट वन लेफ्ट टू होगा, आर वन आर टू होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा 3.5, यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा 3.5, यानी कुल दूरी हो जाएगा 7 मीटर, है ना जी। यहाँ भी वही होगा 3.5 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 3.5, और सेंटर से ला पूरा 7 मीटर, 7 मीटर लेफ्ट 7 मीटर राइट हो सकता है। ये हमारा फोर लाइन हो गया। फोर लाइन का माने वो हो गया कि एक तरफ से दो दो गाड़ी जाएगा और दो दो गाड़ी, दो जाएगा दो आएगा, दो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? फोर लाइन। इसके बाद है, आप समझ में आ गया कहानी, सिक्स लाइन। तो सिक्स लाइन का मतलब समझ में आ गया ना, कि तीन जाएगा तीन आएगा, तीन जाएगा तीन लेफ्ट होगा तीन राइट होगा, आर वन आर वन आर टू आर थ्री, एल वन एल टू एल थ्री। एट लाइन का, एट लाइन चार जाएगा चार आएगा, टेन लाइन पांच जाएगा पांच आएगा, 12 लाइन, ठीक है, 16 लाइन, जब हम बॉम्बे दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे खास करके जब बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे, पूरे इंडिया में वैसा नहीं है, ठीक है, इवन पूरा गल्फ में वैसा हाईवे नहीं है, जानिए, और उस पूरी सऊदी दुबई में ढूंढ लेंगे ना, तो वो ऐसा हाईवे बनी नहीं आज तक वर्ल्ड में, मतलब अमेरिका, अमेरिका भी नहीं है उसके सामने। हाईवे बनाने के मामले में इंडिया का टक्कर वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता,
रेलवे और हाईवे में, किसमें? दो चीज में पूरे वर्ल्ड में टक्कर नहीं है, समझ गए? पूरे क्योंकि दुनिया में हाईवे और रेलवे सिर्फ प्रॉफिट एक ही देश में देता है वो इंडिया में, बाकी पूरी दुनिया जो है लॉस पे चल रही है रेलवे लाइन में, ठीक है? तो हाईवे जो बनता है यहाँ का ना, क्यों? क्योंकि इंडिया में बारिश, गर्मी, ठंडा, फिर गर्मी में बारिश, फिर ठंडा में बारिश, और फिर बारिश में बारिश, तो इंडिया में सालों भर बारिश होता है। क्या होता है? लगभग ज्यादा दिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी में बारिश के बगैर। गर्मी पड़ता तो आदमी क्या बोलता है? बारिश नहीं हो रहा यार, 10 दिन हो गया बारिश नहीं हो रहा है। गर्मी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ का लोग? यार 10-15 दिन और बिहार में देखो 15 दिन से बारिश नहीं हो रहा है। अरे यार गर्मी में बारिश मांग रहा है, जाड़ा में भी बारिश मांगता है, पर बारिश नहीं हो रहा यार, क्योंकि यहाँ आदत हो गया बारिश का हमको। क्या हो गया? और सऊदी में क्या मांगता होगा वो लोग? ठंडा। भाई 10 दिन से ठंडा नहीं हुआ भाई, है ना? 12 दिन का एक दिन ठंडा हो गया था मौसम, तो वहाँ ठंडा मांगता है, हम लोग बारिश मांगते हैं, क्योंकि हम लोग के इंडिया में इतनी बारिश होती है। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग घर से बनाते हैं, जो सबसे ऊपर वाला छत होता है, वो 10-12 साल में चूने लगता है। क्यों? बारिश आ रहा, खच खच गिर रहा, छेद करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? तो जो रोड हम लोग चल रहे, गाड़ी चल रहा है, छेद हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, छेद हो रहा है ना, पानी जमा हुआ है, जम जा रहा है, कहीं पत्थर थोड़ा सा निकल गया, पानी जम जा गया, छेदा कर दिया। तो यहाँ का रोड खराब नहीं बनता है। अरे बोलता ना, अरे उससे धपला होता है, ये होता है, धपला होता है अंडर विलेज रोड। क्या होगा? हाईवे और मेन रोड, ये दोनों मिलिट्री के अंडर कवर में बनता है, इसमें गेम नहीं हो सकता। गेम ये हो सकता है कि आप जिस कंपनी को टेंडर लिए उसको पैसा ना दे रहे हो, सरकार से लेकर पैसे का गेम हो सकता है, लेकिन ये बोले क्वालिटी खराब बना हाईवे का, इट नॉट पॉसिबल। अब रोड क्यों हाईवे टूट गया बनते साथ? वजह यही था कि वो सूखा नहीं और बारिश बहुत होता है यहाँ, बड़ा बड़ा गाड़ी चक्का पार हो रहा है। अगर सऊदी में इतना बारिश होता तो आप वीडियो फोटो देखे लेते हैं सऊदी का, अच्छे जमाने में क्या हाल हो जाता उसका, एक ही दिन का बारिश में इधर सब बंद फिनिश। अगर सालों बार बारिश हो तो वहां तो रोडे ना दिखे, इंडिया से बुरा रोड वहां है कच्चा मिट्टी का। क्या जी समझ गए? तो आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, याद रखे हर बार में। जो इंजीनियर जो डॉक्टर यहाँ मिल जाएगा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है।